हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं त्रिवेणी कला संगम जो है तानसेन रोड पर। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ये आपको मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, यहाँ हम कोई आर्ट देखने नहीं बल्कि आए हैं यहाँ के मोस्ट फेमस कैफ़े पर यहाँ का जायका लेने के लिए। तो चलिए मेरे साथ। ये कैफ़े त्रिवेणी कला संगम के अंदर है और यहाँ पर कोई भी आ सकता है। कैफ़े की बात करूँ तो यहाँ पर इंडोर और आउटडोर दोनों सिटिंग एरिया अवेलेबल हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, आपको यहाँ बैठ कर एक फ्रेशनेस का फील आएगा क्योंकि बहुत ही ओपन में एकदम फ्रेश एंड कोजी सिटिंग है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ बैठने में और आपको यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसी के साथ आप यहाँ पर मज़ा ले सकते हैं यहाँ के अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स का, और ड्रिंक्स में भी यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो चेक करते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। सो ये है इनका मेन्यू और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है इनका असॉर्टेड पकौड़ाज विद चाय। उसके अलावा यहाँ पर ड्रिंक्स में जूसेस, बेल जूस वो सब भी मिलते हैं। और यहाँ पर थाली सिस्टम भी है, यहाँ पर आपको लंच में और डिनर में आपको थाली भी मिल जाएगी। हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है एक चिकन थाली एंड वन प्लेट मशरूम टिक्की। तो जी, हमारी मशरूम टिक्की आ चुकी है। इसमें मुझे मिली है 3 टिक्कीज विद ग्रीन चटनी। ये मुझे मिली है 230 रुपीज़ में। पोर्शन साइज़ की बात करूँ तो मुझे पोर्शन साइज़ थोड़ा कम लगा। अब टाइम है इसको टेस्ट करने का। सो ये ग्रीन चटनी मुझे इन्होंने अलग से भी दी है, तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी लगी है। वैसे तो अच्छी गर्म है ये टिक्की, तो चटनी ले लेते हैं। और यस, बहुत सॉफ्ट है वैसे तो। अब टेस्ट करके पता चलेगा। तो उसमें लगाता हूँ थोड़ी सी चटनी। बहुत बढ़िया, एकदम लाइट टेस्ट है मसालों का और अच्छी गर्म है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छा टेस्ट आ रहा है। सो आप इसको यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको लाइट स्नैक्स अगर खाना है तो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस टिक्की की ये है कि ये फ्राइड नहीं है बल्कि बेक्ड है। सो हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। मौके फ्लेवर तो इतना इसमें नहीं आया क्योंकि इसका नाम था स्मोक्ड मशरूम टिक्की, बट ओवरऑल ये अच्छा है। आप इसको ज़रूर यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वाह, मज़ा आ गया, अच्छा टेस्ट आ रहा है। गाइस, हम यहाँ पहुँचे थे लंच टाइम में, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ की एक नॉनवेज थाली ट्राई की जाए। मैंने मंगाई है एक चिकन थाली जो मुझे मिली है 375 रुपीज़ में। इसमें मुझे मिला है चिकन करी, दाल ऑफ द डे, वेजिटेबल ऑफ द डे, वेज पुलाव, 2 तवा रोटीज़, रायता, सैलेड और एक पापड़। इसमें भी अगर मैं पोर्शन साइज़ की बात करूँ तो मुझे थोड़ा कम लगा है, बट अब ठीक है। तो हम दाल से ट्राई करेंगे और इसका आपको जायका मैं बताऊंगा कैसा लगा मुझे। तो मैं दाल को खाता हूं और दाल का टेस्ट एकदम अच्छा है, घर जैसा टेस्ट है इसका। जैसे आपको घर में दाल मिलती है, ये अरहर की दाल है और मसाले वगैरह भी एकदम लाइट हैं। सो ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ इन्होंने दी है ये मिक्स वेज है, इसमें गोभी और गाजर वगैरह सब डली हुई हैं। सो मैं इसको ट्राई करके दिखाता हूँ। सो ये लिया मैंने एक पोर्शन इसका। बहुत बढ़िया, इसमें अच्छे मसाले का इसमें टेस्ट आ रहा है, थोड़ा मसाले वाली है चटपटी, तो उसका अच्छा टेस्ट है। वाह, रायता ट्राई करते हैं। रायता तो बहुत ही पोर्शन में कम है, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कम इसमें रायता का पोर्शन लगा। उसी के अलावा यहाँ पर जो पुलाव और 2 रोटी दी हैं, रोटी भी बहुत थोड़ी छोटी और पतली हैं। सो पोर्शन साइज में मैं कहूँगा कि थोड़ा कम था। अब चिकन ट्राई करते हैं। चिकन बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छे से पका हुआ है। ये देखिए, ये मैंने लिया एक, वाह, इसको ट्राई करते हैं। इसमें आया मज़ा, ये भी बहुत बढ़िया है, अच्छा टेस्ट है और बहुत ही अच्छे मसाले हैं इसमें। तो बढ़िया से पका हुआ है तो एकदम मुंह में जाते एकदम घुल जाता है, ये अच्छा है। इसकी ग्रेवी टेस्ट करेंगे। सो ये प्याज की और टमाटर की इसमें डाला हुआ है, उसकी ग्रेवी है जो बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल गाइज, मैं बताऊँ तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अगर आप इवनिंग टाइम में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर असॉर्टेड पकौड़ा विद चाय यहाँ से ज़रूर लेनी चाहिए। और आपको
जनरली मज़ा आएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।